बुंदेलखंड से निकलकर देश के कोने कोने तक ख्याति पाने वाले बागेश्वर धाम बाबा को कौन नहीं जानता है। वह बिना पूछे ही सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न को पर्चे पर लिख देते हैं। ऐसे ही एक गुरुदेव सागर जिले के परसौरिया में भी हैं, जो हनुमान जी की मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद सारे प्रश्नों को दरबार में बता देते हैं। तो बोला साहब लड़का का था साहब कहता है कि यार मैं बाप बना के रखे मैं पसंद नहीं है मैं पसंद जा ठीक है बाप बना के मना कर ही सके ना शादी का कोई रुकावट कोई दिक्कत नहीं लेकिन कल में बारो बना ही तैयार नहीं है बाबा जी नहीं बिटिया कहां तैयार होगा तुम लोग तो तैयार हो कल में आ गए हैं वो कहा कह रहे कि हम कल में तैयार मैं कहते पसंद में नहीं आ रहा बस यही बात होती है बाकी हमें जो पसंद नहीं है ये नहीं करें जो पसंद नहीं है देवे ये सब मजा ले तो हम तो दो एक पहले तो आप लोग पूजा पर सुना रहे तुम्हारा पूजा पर गड़बड़ है पूजा पे की पूजा नहीं कर रहा है इसलिए तुम परेशान तुम्हारा पति परेशान तुम्हारा बेटा परेशान तुम्हारी बेटी परेशान और तुम पूरा परिवार खानदान परेशान है क्योंकि तुम अपने घर की पूजा पे की पूजा नहीं कर इसलिए तुम्हारा पूरा खानदान परेशान है पहले पूजा पर सुधारो तुम अपने पूजा पर सुधार दोगे तो उनके लिए दिक्कत कम पर जाता है परेशानी दिक्कत और ये बाबूजी तुम अपने पति को देना जाकर के फूल वगैरह तो उनके शरीर को पूरा फूल पत्र हो जाए। ये प्राचीन मंदिर है जो छोटी वाली प्रतिमा हनुमान जी की वो प्राचीन है राम मंदिर के पहले से है और ये सिद्ध स्थान है। यहाँ भक्त लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और जो परिक्रमा लगा के मनोकामना करता है वह मनोकामना पूर्ण उन्हीं का ही आशीर्वाद कृपा है। तो अभी तक जितने भी भक्त लाए हैं कोई भी भक्त खाली नहीं है संतान का हो शारीरिक हो या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो मनोकामना पूर्ण होती है। और ये पैतृक है तीन पीढ़ी से बराबर चला पहले हमारे बब्बा जी के ऊपर कृपा थी पिताश्री पे हमारे ऊपर भी कृपा है यानी किसी भी प्रकार की समस्या होती है वह समस्या का समाधान होता है। और मंदिर दिव्य स्थान दक्षिणमुखी पातालीय हनुमान जी है जो पातालीय हनुमान जी है दक्षिणमुखी है सिद्ध स्थान नांगा बाबा थे पुराने पहले उनकी स्थापना करी भाई है नांगा बाबा द्वारा। कितने साल करीब पुराना हो ये 400-500 वर्ष पुराना हुआ माने जब यहाँ बस्ती भी नहीं बसी थी उसके पहले से भी है। पीपल का वृक्ष था अकेले बन गए महाराज जी की कुटिया थी और ये माजमुराजी शासन से चला रहा वहाँ का जो कुआँ है ना वो कुआँ भी उसी समय का रजवाड़े के समय का है रजवाड़े के समय ही की प्रतिमा है बैठी हुई। बाद में इस नगर का निर्माण हुआ नगर स्थापित हुआ बस्ती आई पहले बस्ती दूसरी जगह थी यहाँ पर बाद में धीरे धीरे बस्ती का भी निर्माण होता ही जा रहा है। क्या कह हाँ पहले पुराना एक छोटी सी मड़िया थी मड़िया के बाद थोड़ा और बड़ा हुआ अब बड़े साथ निर्माण अभी हुआ है ये जीर्णोद्धार अभी करा है।